गंगा का जल स्तर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना में और बहुत ही खतरनाक स्तर पे, और जिस तरीके से राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ा है ये हम ड्रोन कैमरे की नज़र से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे स्थिति का मुआयना किया, जायज़ा लिया और जो यहाँ पे खतरे का निशान है यानी कि 48.60 मीटर से ज़्यादा अब 49.91 मीटर का ये जो यहाँ पे खतरे का निशान है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो पार्ट है वो, और राजधानी पटना के गंगा घाट किनारे का इलाका, और ये देखिए ऊपर जो पाथवे बन रहा है उसके पास का किस तरीके से, पिछले दिन जो हम दिखाए थे कि नज़ारा किस तरीके से था, लेकिन अब उससे करीब करीब 1.5 मीटर पानी जो है यानी जल स्तर वो ऊपर आ गया है। और जो दियारा का इलाका है वो पूरे तरीके से डूब चुका है। और ये जो पूरा स्ट्रेच है ये देखिए, ये पाथवे है जो बन रहा है गंगा नदी के किनारे किनारे, और इसके दूसरे ओर का ये जो नज़ारा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए ड्रोन कैमरे की नज़र से, ये पूरा दियारा का इलाका जहाँ पे खेती होती है ये पूरे तरीके से डूब चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार 12 ज़िले जो हैं वो प्रभावित हुए हैं बढ़ते हुए जल स्तर से, और इसके जो निचले इलाके हैं यहाँ पे जल प्रवेश कर गया है। और ये घाट का किनारा देखिए, ये जो नमामि गंगे के तहत पाथवे बनाए गए थे वो पूरे तरीके से, ज़्यादातर घाट जो है वो जलमग्न हो गए हैं। और इस तरीके से आप देखें तो जो पटना में, पटना दीदारगंज से लेकर पटना सिटी दीदारगंज और दीघा तक का जो स्ट्रेच है वो पूरा जो घाट किनारा है उस पे दबाव बढ़ रहा है। कई जगहों पे जो सैंडबैग लगाए गए थे उसको दरकिनार करते हुए जल प्रवेश अंदर चला गया है, और दूसरे जगहों पे भी सैंडबैग जो है वो लगाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये गंगा का घाट और नदी का विस्तार रूप हाहाकार तरीके से, और जो ट्रेंड है गंगा नदी में इलाहाबाद से ही इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और हर एक 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। और अगर 2016 की बात करें तो उस समय में 50.52 का जो एक मीटर का जो जल स्तर था वो क्रॉस कर चुका था, और अभी की जो स्थिति है देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे ड्रोन की नज़र से हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे वस्तु स्थिति जो है गंगा घाट किनारे है। प्रशासनिक स्तर पर हर जगह जो चाक चौबंद व्यवस्था है रखने की बात कहते हुए, नज़र बनाए रखने की बात कही गई है, और यहाँ पे जो पूरा इलाका है आसपास का वो जलमग्न हो गया है। शहर के कई निचले इलाके में दानापुर, मनेर, इन जगहों पर भी जो जल स्तर है वो प्रवेश कर गया है रिहायशी इलाके में, और इस तरीके से अब नज़र रखने की बात कही जा रही है और चौकसी बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन निशांत और सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।